गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं बहुत स्पेशल आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, तो पूरा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीता ही नहीं हर मूवी में सेम सीन बार बार क्यों दिखाया, तो उसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे शांति हो चाहे बहुत बड़ा महायुद्ध, जो एक दिव्य अवतार होते हैं, जो खुद भगवान होते हैं, उनके फेस पे हमेशा ही स्माइल रहती है। वो कभी भी जैसे हमारे फेस पे टेंशन आ जाती है, वैसे फेस कभी नहीं कहते, हमेशा उनका फेस एक खिलता हुआ, चमकता हुआ, और उनके फेस पे एक अलग ही स्माइल होती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महाभारत के टाइम जब युद्ध होने वाला था, तो उससे पहले भी काफ़ी युद्ध हुए, छोटे मोटे बहुत युद्ध हुए, जो श्री कृष्ण थे तो उनके फेस पर हमेशा ही स्माइल रहती थी। और जब महाभारत हुआ, मतलब उन्होंने दुनिया को ऐसे दिखाया कि कुछ इतना बड़ा महायुद्ध होने के बाद भी वो जाकर लात पे लात रख के ऐसे बैठ के जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जैसे चाहे बड़े युद्ध हुए चाहे छोटे युद्ध हुए, जो दिव्य अवतार होते हैं उनकी एक अलग ही लीला होती है। तो ये यही इनके बैठने का तरीका होता है, लात पर लात रख के बैठ के श्री कृष्ण के जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब बात करते हैं हमारे सतगुरु की। तो आपको सबको पता ही कि हमारे सतगुरु जी बहुत ही जल्दी युग परिवर्तन करने वाले हैं। और आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हिंद कनपा कजबा मूवी में जब पिताजी गाड़ियों का पीछा करते हुए उनका पीछा करते हैं, गाड़ी को आगे यू टर्न मार के आगे गाड़ी उनकी खड़ी कर देते हैं, और पिताजी उधर कैसे बैठे होते हैं लात पर लात रख के, छे वही पोज पिताजी के बैठने वालों फेस पे देखो कितनी बड़ी स्माइल, मतलब बिल्कुल भी टेंशन नाम की चीज नहीं है। तो उसी मूवी में आगे जाके पिताजी ने एक और सीन डाला था सेम, और जब वो कासिर का वध करते हैं तो बेड पर लेटे होते हैं और सेम वही पोज पिताजी के बैठने के साथ लात पे लात रख के। और उसके बाद जब पिताजी ऊपर जाकर एलियंस के साथ फाइट करते हैं तो सेम वही पोज दिखाया गया पिताजी के, उसके ऊपर बैठे हुए हैं और लात पे लात रख के बैठे हुए हैं, मतलब सेम पोज, 1% भी उनके मतलब उनको देख ऐसे लग नहीं रहा था कि वैसे भी इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो सेम पिताजी ने मूवी में अपने बार बार वही सीन दिखाए हैं। आप सबको पता ही कि नागपाश का पिताजी ने प्रयोग करके उधर पृथ्वी की रक्षा की थी, समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। उस मूवी में पिताजी महाभारत वाले सारे हथियार भी लेकर आते हैं, सबको पता ही है। और उनसे पहले जो एक मूवी आई थी उसका फर्स्ट पार्ट MSG द वॉरियर लाइन हार्ट, तो उसमें भी पिताजी का बैठने का सेम तरीका होता है, जब जो पिताजी के साथ उस मूवी महारानी बने उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो सेम वही पोज होता है पिताजी का बैठने वाला। तो ये जो दिव्य अवतार होता है इनका खुद का एक अलग ही तरीका होता है बैठने का। तो अब सब ने एक बात नोट्स की है कि जब पिताजी स्टेज से सत्संग करके जाते हैं तो पिताजी के जो आशीर्वाद देते हैं तो पिताजी के खड़ने का सेम स्टाइल, मालकी पतन क्या जराजा होती है, नोट्स अभी सबको कराया, तो सेम पिताजी का वही पोज खड़ने का और सबको सजता करके पिताजी जाते हैं। तो ये जो दिव्य अवतार होते हैं इनके एक बैठने का अलग तरीका होता है, तो इनके फेस पे बिल्कुल भी हमें थोड़ा सा भी गम नाम की चीज़ नहीं दिखती, फेस इनका बिल्कुल ब्राइट वाला होता है। आप देखो उधर पिताजी ने जितने भी युद्ध किए कहीं भी, और पिताजी की बिल्कुल चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। जो हमारे सतगुरु हैं, हमारे मालिक, ये खुद एक दिव्य अवतार हैं, खुद एक खुदा हैं, खुद मालिक हैं, तो समझदारों को सारा एक इशारा ही काफ़ी है। पिताजी हर जगह पे अपने छोटे छोटे ऐसे साइन दे रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। तो ये हमारे सतगुरु की एक रजा ही है, पता नहीं कैसे, तो अभी जल्दी ही पिताजी युग परिवर्तन करने वाले हैं, तो पिताजी अभी से वो सारी निशानी दिखनी स्टार्ट होगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सपोर्ट करते रहो और हमें भी अच्छा लगता है, हमारे सतगुरु का मैसेज आगे जा रहा है तो मज़ा आता है हमें भी, जो नहीं जाते हमारे सतगुरु जी के बारे में उनको भी जाके पता चले कि हमारे सतगुरु क्या है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।